क्या कहना चाहेंगे आपका परिचय दीजिए और आज मेरा नाम राजीव राय है, राजीव कुमार राय है और मैं सबको पहले तो नमस्कार करना कहना चाहूँगा और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं कन्हैया कुशवा जी, उन्होंने और भी मूवी पहले किए हुए हैं और ये भी मूवी बहुत अच्छे से काम करेंगे इसमें और ये जो मूवी बनने जा रहा है खिलाड़ी भैया, इसमें दोनों हीरो बहुत ही अच्छे काम करेंगे। इस लुक बाई भी इज़ वेरी गुड। अभी कुछ कन्हैया कुशवाहा जी के बारे में क्या कहना चाहिए? कन्हैया कुशवाहा जी जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आगे भी बहुत दो तीन चार मूवी इन्होंने किए हैं, छोटे मोटे एल्बम भी किए हुए हैं तो ये भी पिक्चर बहुत अच्छे से करना चाहेंगे। इनकी एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। बाकी जो है शूट पे जाने के बाद ही सब कुछ होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। देखिए खिलाड़ी भैया एक प्रोजेक्ट बनाने का मेरा मेन मकसद है कुछ नया संदेश देना लोगों को। वैसे भोजपुरी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, आप देख भी रहे हैं और सबसे दुख की बात है कि भोजपुरी दर्शक जो हैं परिवार भोजपुरी से कटते जा रहे हैं, परिवार कटते जा रहा है। तो भोजपुरी भैया एक एक्शन फिल्म है, हालांकि एक्शन आजकल ज़माना है, हर कोई जिसको देखो एक्शन मांग रहा है। तो उन्होंने बोला चलो एक हम भी एक्शन देते हैं और बहुत बेस्ट विनोद राय ने हमारी कहानी लिख रहे हैं और हमारे प्रोड्यूसर भी मैं भी हूँ और अंकिता श्रीवास्तव जी हैं और हम लोगों ने सोचा कुछ अच्छा फिल्म बनाएं, इंटरटेनमेंट भी हो मनोरंजन के साथ में मैसेज। आपने कई फिल्म प्रोड्यूस किया, कई फिल्मों के आपने मेकिंग पे ध्यान दिया, कैसे क्या हो सकता है अच्छी फिल्म बन सकती है और आप पहली बार आप एज ए डायरेक्टर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी इससे पहले मैं डायरेक्शन नहीं किया था और ये भी बात नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हालांकि मैं हमेशा से चाहा कि काम बहुत लोगों के साथ मिलकर ही करना चाहता हूँ, हर किसी के जिम्मेदारी देकर काम करना चाहता हूँ कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं करें, मगर खास करके जो हम चाहते हैं वो लोग नहीं दे पाते हैं और बिजनेस की बात आती है, प्रॉब्लम आता है। तो मैं प्रोड्यूस में बहुत सारी फिल्में किया हूँ और ईपी भी रहा हूँ तो मैंने ये चाहा कि अब जो भी करना है मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्रोड्यूसर का पैसा आजकल भोजपुरी फिल्मों में निकलता नहीं है, ये एक बेहद दुख की बात है और नहीं निकलने के कारण भी देखा जाए तो बहुत सारे हैं। प्रोड्यूसर को सिर्फ एक प्रोड्यूसर पैसा डालने वाला ही मान करके रख दिया जाता है, उनकी बातों की वैल्यू नहीं दिया जाता। बहुत सारे डायरेक्टर जब साइन हो जाते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर अब तो पैसा डाल करके फंस चुका है, वो जो बोलते हैं उसको वही मानना होता है। ये बेहद भोजपुरी के लिए शर्म की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने यही सब सोचते हुए बोला कि मैं खुद डायरेक्शन भी करूँगा और अगर हमारे पास पैसा है तो मैं बना रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि अच्छी फिल्म मेकिंग करूँ और जिसका जो भी रिजल्ट हो दर्शक के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, वो जैसा चाहेंगे उसका प्रतिसाद देंगे। कलाकार की बात की जाए तो कौन कौन कलाकार नजर आएंगे? देखिए इस फिल्म में हमारे दो कलाकार को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। एक हाल ही में हमारे रोहन सिन्हा हैं जिन्होंने जय जय बिहार एक एल्बम, बहुत ही उनका सुपर डुपर हिट एल्बम हुआ है और उनको ही लेकर के मैं ये भोजपुरिया बना रहा हूँ, भोजपुरी को लेकर के, तो उनको लॉन्च किया जा रहा है। हमारे भोजपुरी के एक बहुत ही बेस्ट सिंगर हैं रियाज आजमी, जिनको मैं हीरो में ले रहा हूँ, दो हमारे हीरो हैं और अपने दीपक भाटिया जी हैं वो विधायक के करेक्टर में, बहुत ही दमदार उनका करेक्टर है, और आनंद मोहन जी हैं कॉमेडी। आजकल एक बात बताना चाहता हूँ, कॉमेडी में फुहरता आ गई है, फुहरपन आ गया है, जिसको भी देखो वो फुहरता ही परोस रहा है पब्लिक को। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ वो चीज़ जो आपके ज़िंदगी से गुजरी हुई हो, आपको कुछ बचपना याद आ गया वो कॉमेडी देख करके, और ये मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी फिल्म की जो कॉमेडी है, जो कॉमेडी भाग है, वो आपको बहुत ज़्यादा हॉल में गुदगुदाएगा और हंसने पर आपको मजबूर करेगा। जी कॉमेडी मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है। शूटिंग कहाँ होगी और कब तक दर्शक देख पाएंगे? देखिए ये शूटिंग हम कुछ नेपाल के लोकेशन में कर रहे हैं और सिलीगुड़ी के लोकेशन में कर रहे हैं और आजमगढ़ में हम कर रहे हैं, तीन चार जगह हमने बिहार का भी कुछ लोकेशन हमने रखा हुआ है, तो देखते हैं क्योंकि
मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाऊं, और आप लोग का भी उसमें सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं नया हूं, एज ए डायरेक्शन में मैं नया ही हूं। तजुर्बा की जो बात है, तजुर्बा मेरा कम नहीं है, सही मायने में मैं चाहता हूं कि एक अच्छा सब्जेक्ट बने, एक अच्छा प्रोजेक्ट बने। डायरेक्टर का बोझ जब आपके सर पर आया, कैसा महसूस है? जी, डायरेक्टर का बोझ सर पे आया नहीं है, मैंने खुद लिया है, क्योंकि सर पे वो आदमी डालता है जो किसी से फाइनेंस लेता हो। मैं खुद प्रोड्यूसर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ, तो अपने जिम्मेदारी में निभाना चाहता हूँ कि और भोजपुरी वाले डायरेक्टर जो करते हैं, मैं वो ना करूँ और किसी को दबाव में आकर के, किसी को प्रेशर में आकर के काम ना करूँ। मैं खुद अपने कॉन्फिडेंट के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं बिजनेस करके दिखाऊंगा और बहुत अच्छा मेकिंग करूँगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, 100% करूँगा।